हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL के CBT 1 और CBT 2 के बारे में, जिसमें वैकेंसी आई है DFCCIL की, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दो पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव में हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट और अलग अलग सीट है, और एग्जीक्यूटिव में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इन सब के लिए जो वैकेंसी है उसका CBT, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसमें इस एडवर्टाइजमेंट से जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी दो एग्ज़ाम कर दिया गया है, और जिसमें से आप के लिए जिसमें से ये फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, फर्स्ट स्टेज जो है क्वालिफाइंग है, और सेकंड स्टेज के मार्क्स को मेरिट लिस्ट के लिए काउंट किया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है, निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग इन नेचर। ये सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट CBT है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को छांटने के लिए है, और इसमें 20 नंबर स्टूडेंट 20 के मल्टीपल में सेकेंड स्टेज के लिए चुना जाएगा। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड स्टेज बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट के लिए 20 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज, यानी कि SC ST OBC जनरल कैटेगरी को लिया जाएगा, और CBAT जो है वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव पोस्ट OPNBD के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ केवल और केवल ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव OPNBD, जिसको हम जनरल रूप से OPNBD को स्टेशन मास्टर का जॉब समझ सकते हैं। अब सेकंड जो हम देखते हैं यहाँ CBT फर्स्ट में जो है वो CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जिसका 1 क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा, जिसकी संख्या टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे होंगे, और PWD कैंडिडेट के लिए 120 मिनट है। तो और इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं। इसमें सिलेबस सिलेबस जो है मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL ये 10 क्वेश्चन का है, यानी टोटल क्वेश्चन 120 रहे 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चन। और इसमें से जिसमें मैथ, जनरल अवेयरनेस, साइंस और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस और रेलवे और DFCCIL के नॉलेज पे बेस्ड 10 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, और इसको टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन है। तो इसका CBT 2 का बात कर लेते हैं। CBT 2 जो है वो 120 मिनट 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मिनट के लिए होगा, और 120 क्वेश्चन पे होंगे, और ये जो है यही सिलेक्शन प्रोसेस के लिए हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सेकंड स्टेज ही है, जो जिससे मेरिट बनेगी। लेकिन क्या है कि हमको CBT 1 क्रॉस जो करेगा, यानी जो क्वालिफाई करेगा CBT 1, वही कैंडिडेट जो है CBT 2 को लिए चुना जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट तो CBT 2 के लिए नॉलेजिबल है, लेकिन CBT 1 को ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो अपना
नॉलेज नहीं दिखा पाया सीबीटी वन में, तो उसका सीबीटी टू की तैयारी रखी की रखी रह जाएगी जब तक वो सीबीटी वन क्वालिफाई नहीं करेगा। और कोई कैंडिडेट सीबीटी वन क्वालिफाई करता है, सीबीटी टू में मेरिट नहीं बना पाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि दोनों ही शर्त पे कैंडिडेट को तैयारी फुल एंड फुल करना होगा ताकि सिलेक्शन भी हो और मेरिट भी बने। अब इसमें मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। तो ये जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और इसका लेवल का बात किया जाए तो लेवल जो आजकल कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, तो बैंकिंग और एसएससी के जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल मैथ जो है, डाटा बेस्ड मैथ, ग्राफ बेस्ड मैथ, ये भी चांस है। और बड़े बड़े क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन का है, तो इसमें स्टैटिक्स, करंट वगैरह सब मिला के पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस में फिजिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और पर्यावरण विज्ञान, ये चार टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग, रीजनिंग जो सेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में नंबर को बढ़ाने के लिए। तो रीजनिंग जो है वो 30 नंबर का है, और मैथ ये दोनों जो है काफ़ी कारगर साबित होंगे अगर जिसकी अच्छे से तैयारी होगी मैथ और रीजनिंग के लिए। ये दोनों से आप अपना मार्क्स अच्छा कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस को छोड़ दिया जाए तो जो साइंस का पोर्शन है ये भी सिलेबस इसका फिक्स होता है, जनरल अवेयरनेस के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन फिर भी इसमें से कम 10 मार्क्स तो आने चाहिए, यानी कि 25, 25, 50, 10 और 10, यानी कि 50, 10, 60, 10, 70, टोटल 70 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप इस सीबीटी वन में क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर 25 के जगह आप 22 भी लाते हैं मैथ में, 22 रीजनिंग में, और नॉलेज ऑफ रेलवे और डीएफसीसीएल इसमें आप 3 नंबर भी लाते हैं, जनरल साइंस में 12 से 10 को ही लेके चलते हैं, 10 आप अगर जनरल साइंस से उठाते हैं, और जनरल अवेयरनेस से 7 क्वेश्चन भी आपको अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप 4, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 64 नंबर ला सकते हैं। तो बेसिकली किस किस टॉपिक पे कवर करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि आपको मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, साइंस की और जनरल अवेयरनेस की कौन कौन सी टॉपिक को कवर करना है और कौन कौन सा बुक से प्रैक्टिस करना है। तो सिलेबस इस बार जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए चेंज कर दिया गया है। पहले पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम थे, और इस बार के पोस्ट में 2 एग्ज़ाम है, फर्स्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है और सेकंड जो है मेरिट के लिए है। अब देख सकते हैं मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन, मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन ऑब्टेन इन सेकेंड स्टेज सीबीटी और सीबीएटी जिसके लिए अप्लीकेबल है विल बी कंसाइडेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल, यानी कि फाइनल रिजल्ट के लिए सीबीटी टू क्वालिफाइड कैंडिडेट ही या उसका मार्क्स या नॉर्मलाइज मार्क्स को ही लिया जाएगा। All candidate of community having same cut-off marks will be called for second
तो बेसिकली सिलेबस यही है दोस्तों, आप तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इस समय सबसे अच्छी वैकेंसी और सबसे पेइंग जॉब इसको मान सकते हैं, अपने ITI क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन पे आपके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी है। तो आइए हम थोड़ा इसका डिटेल सिलेबस देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं CBT 1 के सिलेबस के बारे में। जो DFCCIL की वैकेंसी आई है उसके CBT 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन टोटल 100 नंबर के रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और नेगेटिव 1/4, यानी टोटल 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन है और लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस ये 30 क्वेश्चन है, और नॉलेज नॉलेज ऑफ DFC एंड रेलवे ये 10 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है और CBT 1, चूंकि CBT 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है, इससे मेरिट, फाइनल मेरिट इस क्वेश्चन से नहीं बनेगा, लेकिन कैंडिडेट को क्वालिफाइंग करके 20 गुना संख्या में वैकेंसी के 20 गुना, जिस पोस्ट के लिए अगर 20 वैकेंसी है तो इसका 20 गुना 400 कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा। यानी 20 गुना संख्या में CBT 1 क्वालिफ करने बाद 20 गुना संख्या में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन GA के लिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन है और रेलवे और DFCC के लिए 10 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए इस सेक्टर से नंबर कितना कितना लाना होगा, उसी का डिटेल हम अभी बात किए थे, फिर से इस पे बात करते हैं। कम से कम आपको 2 कैटेगरी में नंबर, या तो इस मैथ से आप 20 या 22 या 25, GA से 10, 12 या 13, GS से भी 10, 12 या 13 और रीजनिंग से 20, 22 या 25 और इससे 3, 4 और 5। अब ये हम देखते हैं, अगर हम इस टॉपिक से अगर हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सही सही, तो क्या मेरा रिजल्ट होगा? 22 क्वेश्चन सही करते हैं और 20 क्वेश्चन सही करते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो टोटल 15 का 5 है, तो इसमें आप देख सकते हैं 25 नंबर, 25 नंबर, 50 नंबर, 50, 10, 60, 10, 70 और 6, 5, 11, 81 नंबर है, 20, 10, 30, 10, 40, 40, 20, 60, 3, 63 नंबर और इसके लिए हम देखते हैं 20, 20, 40, 40, 40, 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60, 4, 6, 8, 8, 4, 12, 72 नंबर। तो इस रेशियो में हमारा नंबर आएगा दोस्तों, जो कि ये 2 पोर्शन हैं सबसे बेस्ट रहेंगे और ये सस्पेंस में रहेंगे। अगर इतना भी आया तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा सेकेंड स्टेज के लिए। सबसे मिनिमम है, ये मीडियम है, ये सबसे ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा किसी भी कैंडिडेट के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो
तो बेसिकली इस पोर्शन से हम नंबर कहाँ कहाँ से उठाएंगे, कौन कौन सा सिलेबस होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, अलग अलग से मैथमेटिक्स के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, रीजनिंग के बारे में और डीएफसीसी और रेलवे के क्वेश्चन के बारे में। डीएफसीसी और रेलवे के क्वेश्चन बेसिकली वन लीनियर के ही होंगे। डीएफसीसी के हिस्ट्री हिस्ट्री क्या था, डीएफसीसी के कौन कौन से सेक्शन अभी रेडी हैं, कौन कौन से सेक्शन बाकी है, क्या इसका फ्यूचर प्रोग्राम है, डीएफसीसी और आईआर में बेसिकली क्या अंतर है दोनों के। जैसे ये है 25 kV वोल्टेज पे सप्लाई पे है और डीएफसीसी है 2x25 kV। तो यही सब कुछ कुछ अंतर पे क्वेश्चन आएंगे, डाटा बेस्ड होंगे, ईयर बेस्ड होंगे, कब इसकी शुरुआत हुई है, अभी वर्तमान में कौन इसके डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, इस तरह के सवाल होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी हम देखेंगे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो बेसिकली मैथ, जनरल अवेयरनेस, जीएस, रीजनिंग और नॉलेज ऑफ डीएफसी एंड रेलवे, इन सभी पोर्शन की तैयारी करके आप अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए रहेगा, एक अच्छी पेइंग सैलरी की जॉब आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।